सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ नसीरुद्दीन शाह के बारे में और बात करने वाला विराट कोहली के बारे में। नसीरुद्दीन शाह का जो कैरियर है वो तो बहुत ही कमाल का रहा है। पैरेलल सिनेमा हो या मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, हमारा जो मसाला फिल्म वाला सिनेमा, हर जगह नसीरुद्दीन शाह का जलवा है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर है, मैं कहूँगा इंडिया का द बेस्ट एक्टर है, तो आई थिंक आप लोग एग्री करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट हमेशा कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, लोगों के दिलों में छुपते आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट सही होते हैं या गलत है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि हाल फिलहाल का जो उनका स्टेटमेंट है सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है, और वो स्टेटमेंट है विराट कोहली के बारे में। जी हाँ, इसके पहले नसीरुद्दीन शाह सर ने सलमान खान के भी बारे में बोला था कि हम नहीं चाहते कि 150-200 साल बाद जब लोग बॉलीवुड फिल्मों को याद रखे तो सिर्फ सलमान खान की ही फिल्मों को याद रखे, हम चाहते हैं कि और अच्छी अच्छी फिल्मों को भी याद रखे, या बहुत सारी ऐसी, मतलब उनका कहने का मतलब से ये था कि अच्छी अच्छी जो सिनेमा है हमारे जो बन रही है उसे भी लोग याद करें, ना केवल सलमान खान की फिल्मों को सिर्फ याद करें लोग 150-200 साल बाद, ऐसा है ना वो चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट द परसेप्शन ऑफ नसीरुद्दीन साहब सर, जो बहुत ही कहीं ना कहीं सही है। अच्छी सिनेमा को भी लोग याद करें, ऐसा कुछ हम बनाएं जिसे आने वाली पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा याद रखे या देखते रहे। और उन्होंने हाल फिलहाल में क्या कहा है, चलिए मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने साफ साफ कहा है, पेट्रियटिज्म इज ऑफन द क्राई एक्सटोल वैन मॉरली गिवन, नहीं ये नहीं, सॉरी ये उन्होंने कहा है, ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है विराट के इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बट ऑल्सो द वर्ल्ड्स वर्स्ट बिहेव क्रिकेटर, यानी कि दुनिया के वर्स्ट बिहेव क्रिकेटर भी है विराट कोहली। बेस्ट बैट्समैन तो है ही है, लेकिन वर्स्ट बिहेवियर वाले प्लेयर भी है। हिज क्रिकेटिंग ब्रिलियंस पेल्स बिसाइड हिज एरोगेंस एंड बैड मैनर्स, यानी कि उनका जो क्रिकेट का जो ब्रिलियंस है वो ना छुप जाता है कहीं ना कहीं उनके एरोगेंस और उनके बैड मैनर्स एंड बदतमीजी में। एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग द कंट्री बाय द वे, उन्हें कंट्री लीव करने का कोई इंटेंशन नहीं है, दिस इज ऑफिशियल अकाउंट राइट। एंड हियर व्हाट आई सिंपली मीन्स फ्रॉम दिस एज दैट नसीरुद्दीन शाह ने भैया कह दिया जो उन्हें कहना था, ही हैज सेड ही कांट कीप थिंग्स इनसाइड द हार्ट। आप या तो बुरा बुरा समझो ही नहीं या तो सही समझो, लेकिन ये बंदा चुप होने वाला नहीं है। दिस इज नसीरुद्दीन शाह, दिस इज लीजेंड एक्टर नसीरुद्दीन साहब, एंड आई एडोर हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, एंड बिकॉज थिंग इज दैट जो बंदा दिल में नहीं रखता है, जो बंदा जबान पर रखते ही चीज़ें, वो बंदा बहुत खरा होता है। फॉर मी इज ब्रिलियंट, एंड फॉर विराट कोहली इट्स ओके, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, विराट कोहली है, हमने भी कई दफ़ा देखा है उन्हें गालियाँ देते हुए, लेकिन वो हमें सीधी बात सुनाई नहीं देता है, एंड कई बार बुरा भला भी कहते हैं, बट दैट एरोगेंस इज नाउ द क्वालिटी। आई कैन से दैट वो एरोगेंस ही विराट कोहली की कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, कि जो इतना बिंदास तरह से वो खेलते हैं, और पीपल लाइक द एरोगेंस एज मच। देखो हम जब तक जीत रहे हैं, हम जब तक अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड दैट इफ अगर वो एरोगेंस हमें काम आता तो इट इज़ गुड, बट फॉर ओवरऑल फॉर्मेट एज क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, अगर उस तरह से हम देखें तो येस, देर हैज़ टू बी सम शॉर्ट ऑफ डेकोर दैट ही हैज़ टू मेंटेन इन द फ्यूचर फॉर श्योर, एंड ही विल बी हम्बल एंड मोर पोलाइट इन द डेज टू कम। आई कैन सेंस दैट बिकॉज एनीवेज ही इज एनी हाउ ही इज ऑल्सो ए प्लेयर एंड ही डजंट वॉन्ट टू बार्क मे बी द वे things look like sometime. I don't know he will ever do repeat things like what he is doing maybe nowadays. और एग्रेशन होता है, आई थिंक द क्रिकेट इज काइंड ऑफ एग्रेशन, पेशेंस, लव एंड ऑल, सो इट इज़ होल एंड होल ठीक होता है, आई थिंक कम्प्लीटली, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट ना, क्रिकेट के अलावा थोड़ी होता है ना, इट इज़ पैशन फॉर द गेम, इट इज़ एग्रेशन फॉर द गेम, आई थिंक इन दैट वे आई थिंक इट इज़ राइट, बट येस आई कुडंट डिनाई द स्टेटमेंट ऑफ नसीरुद्दीन साहब व्हाट ही इज सेइंग, एंड ही इज जेंटलमैन, ही इज हैव होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सिनेमा एंड ऑल द लाइफ, एंड आई डोंट थिंक वो कोई कुछ गलत बोलेंगे। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है नसीरुद्दीन शाह का जो स्टेटमेंट है कि बेस्ट प्लेयर तो है ही है दुनिया के, और वर्स्ट बिहेव्ड प्लेयर भी है, यानी कि बिहेवियर के हिसाब से भी वर्स्ट है, यानी कि है तमीज़ नहीं जिसे कहा जा सकता सिंपल लैंग्वेज में। अभी क्या है जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, आई एम जस्ट ए स्टूपिड कॉमन मैन।